हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 16 कली के लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जो 16 कलियां बनेगी उसका मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पर जो कमर है वो है 34 इंच रेडी है, हिप हमारी 42 है और लेंथ हमारी 39 है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, जो कमर है उसमें प्लस हम 4 इंच करेंगे और हिप है जो हम उसमें प्लस 6 इंच करेंगे। अभी लंबाई को हम छोड़ देते हैं, उसको 16 कलियां कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, जो हमारी कमर है 34, उसमें हमने प्लस 4 किया तो हमारा यहाँ पर होगा 38। हिप है हमारी 42, उसमें प्लस 6 किया तो हमारा होता है यहाँ पर 48। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 38 है उसको डिवाइड करेंगे 16 से, हमारा आंसर आता है 2.3। और इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो इसका आंसर आता है हमारा 3। आप या तो 16 कली या 12 कली, जो जितनी भी कली का आपको बनाना है मेथड सबका यही रहेगा, ठीक है। जो हमारा नीचे का जो हमें घेरा तैयार करना है, ये देखिए जो हमारा घेरा होगा वो हम करेंगे 5 मीटर का, ठीक है। तो 1 मीटर में होते हैं फ्रेंड 40, तो हम इसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखिए हमारा आ जाएगा 200। जो हम अपने घेरे की चौड़ाई रखनी है वो हमारी 200 के आस आएगी। आप घेरा, मैं यहाँ पे 5 मीटर का ले रही हूँ, तो आप 4 मीटर का, 3 मीटर, जितना भी आपको रेडी रखना है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसको लेंगे कैसे, पहले हम इसको पेपर पे कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन पेपर कुछ भी ले सकते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीच में टेप लगाकर इसको लंबाई बढ़ा ली है, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर छोटा होता है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड से देखिए कमर लेंगे, कमर थी हमारी 2.3, ये देखिए 2.3। इस 2.3 कहाँ पर आता है देखिए फ्रेंड, हमारा 2 के बाद जो 1, 2, 3 होता है ये, इसको हम हाफ कर लेंगे पहले ऐसे, ये देखिए हमारा आ गया 1.1 इंच, जो 1 पॉइंट से बीच में। अगर आप फ्रंट इतना 1/4 इंच भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर ऊपर की साइड में ये देखिए यहाँ पर 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें प्लस करना है 1/2 इंच, जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। ये देखिए हमने 1/7 इंच इसको लिया है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो टोटल यहाँ पर हुआ है हमारा 1.5.1। फिर नीचे से फ्रेंड हम अपनी हिप लेंगे, हिप यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका हैवी साइज है, हैवी साइज में आप 10 इंच भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए 9 इंच पर निशान लगा लिया है। हमारी हिप थी 16 से डिवाइड करने के बाद 3 इंच और 1/2 इंच, 3 का 1/2 होता है 1.5 इंच, ये देखिए, और इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 इंच। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हम अपने लहंगे की जो लेंथ है वो रखनी है। लेंथ हमारी 39 है, 39 में हम 2 इंच कट कर देंगे जो हमारी बेल्ट लगेगी। उसके बाद देखिए 1/2 इंच हमारे यहाँ पर जॉइंट के लिए रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 37, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं निशान लगाकर दिखाती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 37 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच जो हमारी नीचे की साइड पट्टी फोल्ड करके लगाएंगे उसके लिए रखेंगे, तो टोटल हम यहाँ पर लेंगे 37। 1/2 इंच हमने ऊपर की साइड में छोड़ा है, ये देखिए यहाँ पर, और ऐसे ही 1/2 इंच हमें नीचे छोड़ना है। देखिए जो हमारा घेरा था, ये देखिए घेरा है हमारा 200, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए जो हमारा घेरा था उसको हमने 16 से डिवाइड किया है, डिवाइड 16 तो हमारा आता है 12.5, तो 12.5 12.5 इंच आता है, 12.5 का 1/2 होगा 1/4 इंच, ये देखिए यहाँ पर 1/4 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पर सिलाई के लिए, जो हमारा सिलाई में जाएगा
तो टोटल हमने यहाँ पर लिया है 7.25 इंच। पहले इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हमने इस पेपर को कट कर लिया है। अब ये हमारा हिप का निशान है, ये हमारी कमर का है और नीचे हमारे घेरे का है। हम तीनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्केल रखेंगे। पेपर पे कटिंग करके फ्रेंड थोड़ा इजी हो रहता है, डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए ये हमें अपना निशान लगा लिया है। और नीचे की साइड फ्रेंड हम यहाँ पर हल्की सी कर्व की शेप देंगे। यहाँ पर हल्की सी हम यहाँ गोलाई रखेंगे। और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको, ये मेथड फ्रेंड बहुत इजी है। इसी तरह से आप 16 कली का, 12 कली का, 10 कली का, जितने भी कली का आपको बनाना है वो मेथड यही रहेगा आपका सेम। ये हमारा पेपर, जो हमारा पैटर्न है वो कट कर रेडी हो गया है। अब अपना फैब्रिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड ये हमारी बनारसी साड़ी है, इसमें से हम अपने लहंगा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर साड़ी है हमारी। इसका बॉर्डर अभी हमें इसी में अटैच करना है, हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसी में से कलियां निकाल कर। देखिए ये हमारा पल्लू है, इस पल्लू में से फ्रेंड हम अपना ब्लाउज कट करेंगे। फिलहाल वो अभी छोड़ देते हैं। अब यहाँ से इसको हम पहले बिछा लेंगे नीचे की साइड में। ये देखिए फ्रेंड हमने अपनी साड़ी को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, ये हमारा फोल्डेड साइड है। इसके बाद जो हमने अपना पैटर्न कट किया था ये वाला, इसको खोल कर रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे की साइड बॉर्डर से, ये देखिए जो हमारा बॉर्डर है उसको इस तरह से रखना है हमें। बिल्कुल हमें नीचे किनारे तक मिलाना है अपना। और यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने अपने जो हमारा पैटर्न रखकर इस तरह से इसको निशान लगा लिया है। ये देखिए यहाँ से ऊपर तक, ये देखिए हमने ऊपर तक अपने पूरी लहंग इस पर निशान लगा लिया है। इसी तरह से फ्रेंड हम अपनी पूरी 16 कलियों को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने अपनी सारी कलियों को कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड जो हमारा लाइनिंग है उसको हमने यहाँ पर बिछा लिया है और यहाँ पर डबल फोल्ड रखा है हमने इसको। इतनी जितनी हमने अपने जो मेरी कली थी इसकी लंबाई ली थी 37, हम इसको 37 लिया है हमने। इसको फोल्ड इसी में से करेंगे और इसको यहाँ तक देखिए पूरा हमने मिला दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर 4 कली निकालेंगे। हमारी कमर थी 38, उसका 4th भाग कर लेंगे 9.5, तो हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए 1 इंच। ये देखिए 10.5 पर यहाँ पर निशान लगाया है हमने और 10.5 इंच पर हमने दूसरी साइड में निशान लगा लिए। अब इन निशान को ये देखिए यहाँ पर इसको मिला देंगे। ये देखिए अब यहाँ से इसको कट करेंगे। पहले हम पूरा कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने चारों एक साथ रख ली हैं। अब इसके बाद जितनी हमने यहाँ से लेंथ ली थी यहाँ से भी इतनी लेंथ रख लेंगे हम अपनी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम अपनी गोलाई दे देंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड हमारी जो 16 कलियाँ हैं उसको हम स्टिच करेंगे। ये देखिए सबसे पहले फ्रेंड हम जो हमारी लाइनिंग है इसकी हमने जो कलियाँ कट की हुई हैं उसको साइडों में से जॉइंट कर लेंगे एक एक कली को लेकर।
तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने कलियों को जोड़ लिया है। अब इसके बाद जो हमारा नीचे का बॉटम है वहाँ पर हम बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड जो हमारी लहंगे की कलियाँ हैं उसको जॉइंट करेंगे। उसमें से हम एक एक कलिए को लेंगे और जॉइंट लगाते रहेंगे। ये देखिए हमें अपनी कलियों को इसी तरह से जॉइंट करना है। फ्रेंड नीचे की साइड जॉइंट करते हुए हमें ध्यान रखना है जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलना चाहिए हमारा, नहीं तो थोड़ा ऊंचा नीचे हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड हमने अपनी 16 कलियों को जोड़ लिया है, ये देखिए, और हमारा बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, ये देखना। अब इसके फ्रेंड इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर जितना हमारा बॉर्डर है 6 इंच का, उतनी चौड़ी हमें पट्टी लेनी है। यहाँ पर मैंने 7 इंच की ली है पट्टी को, तो क्योंकि हमारी ऊपर से फोल्ड होगी। अगर आप ऊपर से चौड़ा लगाना चाहते हैं उसको भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर बुकरम ऐड करना चाहते हैं तो बुकरम भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को इस पर जॉइंट कर लिया, देखिए। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर थोड़ी बारीक बारीक चुन्नटें आई है, वो आप अंदर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद जो हमारी लाइनिंग वाला पार्ट है इसके साथ इसको जॉइंट कर लेंगे हम। इस तरह से हम पूरे में इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी साइड की सिलाई है उसको लगाएंगे। अपना ऊपर की साइड आपको जितने में जिप लगानी है वो इससे छोड़कर यहाँ पर इसके दोनों पार्ट को हम सील लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगाना है। पहले आपको अपना जो हमारा मेन फैब्रिक है लहंगे का उसको सीलेंगे, लाइनिंग वाले पार्ट को हम अभी अलग कर देंगे, थोड़ा खिसका कर लहंगे वाले पार्ट को सिलेंगे। तो देखिए इसके बाद हम अपने यहाँ पर साइड में जिप अटैच करेंगे। ये हमने जिप ली है, इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे हम।
हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है, देखिए। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट कट की है, बेल्ट को अटैच करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमने यहाँ पर इसलिए छोड़ा है ये, ताकि हम अपने इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट, कि ऊपर से थोड़ा पार्ट ज़्यादा खुला रह जाता है, इसलिए हम अपनी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने अपनी बेल्ट को अटैच कर लिया है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, ये लहंगा बनकर हमारा रेडी हो गया है। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।